नमस्कार, मैं हूँ एमएस आडर और आज जिस कहानी को मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है प्रेम, जो कि हम सीखेंगे रमाबाई रानाडे जी से। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस सोशल वर्कर रह चुकी हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत कुछ किया हमारे समाज के लिए, लोगों के लिए। बात प्रेम का मतलब ये नहीं है कि प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो संबंध होता है वही प्रेम होता है, जी नहीं, बिल्कुल। प्रेम का मतलब है एक मनुष्य का या एक प्राणी का दूसरे प्राणी के प्रति प्रेम, लव, अफेक्शन। वो हो सकता है हम अगर अपने डॉग से प्यार करते हैं, हम बिल्ली से प्यार करते हैं, या फिर हम स्ट्रीट डॉग से प्यार करते हैं, किसी और जानवर से, किसी पक्षी से, ये भी प्रेम है, सब कुछ प्रेम है। तो आइए जानते हैं कि प्रेम क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम का मतलब क्या है। और अब हम शुरू करते हैं कि प्रेम का मतलब है अपने आप को समर्पित कर देना, अपनी इच्छाओं से पहले सामने वाले की इच्छा का ध्यान रखना, सामने वाले के बारे में सोचना, सामने वाले के हित के बारे में सोचना। जब हम दूसरों का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो अपने आप सारी कायनात हमारा ध्यान रखती है। कुछ इसी तरह की थी रमाबाई रानाडे जी। उनकी जीवन की यात्रा बहुत ही ज़्यादा हमारी तरह कठिन थी, जैसे आप और हम हैं, आम आदमी हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में जब वो थीं तो बहुत सारे भाई बहन थे, बहुत बचपन में उनकी शादी तय कर दी गई, वो भी एक विधुर इंसान से, यानी कि विडो से। वो विडोअर थे, उनके पति का, पहली वाइफ का वो हो चुका था, निधन हो चुका था और उम्र में बहुत बड़े थे, और तभी भी उन्होंने, लेकिन उनके पति बहुत बहुत ज़्यादा समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया रमा जी का, उनको पढ़ाया लिखाया और जितने भी सोशल वर्क के काम थे उसमें उनका साथ दिया। उस ज़माने में पढ़ना लिखना भी बहुत मुश्किल था। सच में एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा जीवन साथी मिलना एक ब्लिस है हमारे ज़िंदगी में। उनकी कहानी जो है बहुत ही, जैसे कि दूसरे सोशल वर्कर्स की कहानी उनसे मेल खाती है, लेकिन वो हम क्या सीख सकते हैं उससे कि अगर हम दिन रात मेहनत करें, परेशानियों से जूझते रहें, गिरें फिर उठें और फिर नई यात्रा पर चल दें, तो हम कभी भी अपने पूरे संसार के लिए एक ब्लिस रहेंगे, एक असेट रहेंगे, एक वैल्यू ऐड करेंगे। हर कोई जीता है अपने लिए, मतलब जो जानवर होता है बेचारा उसको तो दिमाग होता नहीं, वो भी अपने लिए जीता है, लेकिन अगर हम दूसरों के लिए जीते हैं, जैसे रमा जी थी, सावित्री बाई फुले थी, तो जाके वो जो हमारा जो लाइफ है, जिसका उद्देश्य है, किसी वजह से हमें पैदा किया उस ऊपर वाले ने, उस उद्देश्य को हम मीट करते हैं, मैच करते हैं। तो रमा जी की लाइफ में बहुत कष्ट आए, बहुत दिक्कत आए, लेकिन उन्होंने सोशल वर्क नहीं छोड़ा, लोगों की मदद करनी नहीं छोड़ी, लोगों के प्रति प्रेम दिखाना नहीं छोड़ा। ठीक इसी तरह से हमें भी कितनी भी मुश्किल आए, हमें गिरकर उठना है, संभलना है और टूटना नहीं है, हमें काम करते जाना है। और मदद का मतलब ये नहीं होता कि हम पूरे 134 करोड़ को मदद करने लग जाएं या पूरे विश्व को, हम एक को भी मदद करते हैं तो वो मदद कहलाती है, और वो मदद बहुत मायने रखती है उस इंसान के लिए जो बेचारा परेशानी में है, ज़रूरत में है। आशा करती हूँ कि इस छोटे सी बातचीत से आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हम भी रमाबाई रानाडे जी की तरह प्रेम रखेंगे, सौहार्द रखेंगे लोगों के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति, और बहुत कुछ अच्छा करके इस दुनिया को बहुत सारा प्रेम देकर जाएंगे कि हम हमारे जाने के बाद भी वो प्रेम लोगों में रहे और वो हमें याद करें या ना करें, लेकिन वो प्रेम उनके बीच में ज़िंदा रहे, और जब हम अंतिम सांस लें तो हमें अच्छा लगे, जैसे कि रमा जी को लगा, जैसे कि सावित्रीबाई फुले जी को लगा, जैसे APJ कलाम सर को लगा, स्वामी विवेकानंद जी को लगा, ऐसे महान, कई कई महान हस्तियाँ हैं जिनके नाम गिनवाने बैठेंगे तो शायद मृत्यु पर्यंत हम नाम ही गिनवाते रहेंगे, इतने अच्छे लोग हुए हैं, उन्हीं की वजह से संसार इतना सुंदर है, मनोरम है और जीने लायक है। आशा करती हूँ कि आपका दिन शुभ हो और फिर मिलेंगे एक नई बातचीत या एक नई प्यारी सी कहानी के साथ में। हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्लिसफुल लाइफ, कीप स्माइलिंग।